आदिवासियों का जीविकोपार्जन का मूल स्रोत वनोपज है, चाहे वह कोदू, कुटकी, महुआ, तेंदू पत्ता या बांस हो। तमाम प्रकार के वनोपजों के संग्रहण से अच्छी आमदनी हो जाती है, परंतु काफी लंबे समय से संग्राहकों को सही मूल्य नहीं मिलने की वजह से विभिन्न जगहों पर संग्राहकों का गुस्सा सरकार के खिलाफ देखने को मिला। बांस का सही मूल्य नहीं मिलने के चलते पिछले लंबे समय से बांस कटाई का काम ठप पड़ा हुआ है। साथ ही इस साल इलाके के 20 से अधिक समितियों ने तेंदुपत्ता नहीं तोड़ा क्योंकि उनको सही मूल्य नहीं मिला, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, जिसको लेकर पिछले लगभग 3 वर्षों से विभिन्न जगहों पर रैली प्रदर्शन कर सरकार को ज्ञापन सौंप कर मांग की थी कि उनकी मांगों को अमल में लाया जाए। देखिए, अब इसको मांग पत्र हम लोग दिए हैं, अब देने वाले हैं। अभी पहले हमको उसका जानकारी भी दे चुके हैं, अभी देंगे जो मांग पत्र को देने का है। तो उसको हम अपने स्तर पर तो उसको कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम उच्च अधिकारी तक इसको हम फेस करेंगे और जो भी हो निर्णय उनकी मांगे जो है उसको आगे तक हम लोग का। सर, बहुत सारा मांग है, जैसे बांस कटाई हुआ, तेंदू पत्ता तोड़ाई हुआ, फिर बहुत सारे वनोपज जैसे आंवला, कुसुम, ये सब बहुत सारे समस्या हैं जो हम लोग पाम्पलेट में लिख चुके हैं। तो उनकी अगर मूल्य सही दर नहीं देती है सरकार, तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। और सर, हमारा जो मांग है, जो समर्थन मूल्य, जैसे धान हुआ, मक्का हुआ, तेंदू पत्ता तोड़ाई, बांस कटाई, ये सब रखे हुए हैं। और जैसे हमारे तेंदू पत्ता में जीएसटी जुड़ गया है सर, इसमें हमारा शासन को जीएसटी नहीं जोड़ना चाहिए, यही हमारे।